ताली दो, अबे ताली दो, ताली दो। अभी तुमने देखा तो है नहीं ना, अभी तुमने देखा था, चेहरा देखो पहले, चेहरा देखे। नाम क्या? तुम मेरी तीसरी वीडियो में आओगे। किस चैनल पे? NDTV। अभी हम लोग जा रहे हैं बताशे खाने। आज इनके अंदर मेरी आत्मा घुस गई है। हम रोज कहते थे खाओ 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 तो नहीं, आज ये हमारा पेट भरा हुआ तो जबरदस्ती इनको लेके जा रहे हैं। भाई साहब सर, तुम्हारे जन्म है जिंदगी में ना, लड़की से लेके सुट्टा सब चलता है इनका। और ये सब जाएगा भाई, तो तुम चले रोज म्यूट करना पड़ेगा, ये भी जाएगा, म्यूट करना पड़ेगा, ये भी जाएगा। लौंडा है कि नहीं, इसे भी सब्सक्राइब करवाएंगे नहीं तो भीड़ कितनी पे यहाँ। पानी पी लो। हाँ बहुत सही, शाबाश। सो गाइस गुड मॉर्निंग, और अब बज रहे हैं, बताने में भी शर्म आ रही है, 12। एक्चुअली हुआ ये कि कल ना ऑफिस की चाबी वहीं इधर छूट गई घर पे, अब ऑफिस बंद नहीं हो सकता तो मुझे वहीं सोना पड़ा। और मैं आया था सुबह यहाँ, तो भाई साहब सुबह आए थे तो जैसे तैसे 4-5 घंटे सोए। वहाँ ना छोटा वाला कंबल रखा हुआ है तो उसमें जाड़ा मिटता नहीं है, तो इस वजह से। लेकिन कल से पक्का, कल से पक्का 8 बजे उठना है। गाइस आई एम ऑलमोस्ट रेडी, अब चलते हैं एक शूट टिप्ट आते हैं, उससे पहले देखते हैं कि किचन में क्या बना हुआ है। तो आज किचन में क्या है, ओ छोले बने हैं हमारे सबसे, ये हाँ छोले, छोले की सब्जी है। और मम्मी ने कुछ शाम का इंतजाम रखा हुआ है, शाम को बनेगी दाल वाली कचौड़ी, दाल वाली पूड़ी, दाल वाली पूड़ी बनेगी। सो अभी हम लोग सिर्फ पियेंगे चाय, चाय बनाते हैं। सो ये गाइस चाय हमारी तैयार हो रही है, चाय में उबाल आ चुका है, चाय के उबाल का सिनेमैटिक शॉट ये देखिए, ये देखिए। बिस्किट ले लेते हैं, बिस्किट है हमारा फेवरेट, पार्ले जी, पार्ले जी। आप लोगों को पता है कि जो पार्ले जी वाली जो वो थी ना, ये बेचारी जो है वो बूढ़ी हो गई है, बोलता शायद मर भी गई है, 83 साल की हो गई है ना। तो निकाल रखे थे दो बिस्किट पार्ले जी के, आ गया दो बिस्किट पार्ले जी के। बोतल कहाँ? पेप्सी वाली बोतल सबसे पीछे आ रहा है। पेप्सी की ये स्प्राइट है। अरे ये है ना सिरका ना, हाँ ये तो सही किया। इसको जो है गाइस देखिए, ये सिरका है, इसको जो है चाय में हल्का सा आप डालेंगे, ये देखिए गाइस, ये देखिए सिरके को आप चाय में डालेंगे। मजाक कर रहे थे, एक घटिया मजाक जरूरी है सुबह सुबह, ऐसे क्या ब्लॉग को नजर नहीं लगती। ब्लॉग में आज आपको बिहाइंड द सीन मिलेगा M2N एंटरटेनमेंट का, कि कैसे हम लोग स्टैंड अप कॉमेडी शूट करते हैं। जैसे ये हमारा ग्रीन स्क्रीन है, यहाँ पे हम खड़े होते हैं, स्टैंड अप कॉमेडी शूट होता है, पीछे पूरा बैकग्राउंड हटा दिया जाता है और फिर एडिटिंग में सारी चीज हो जाती है। यहाँ पे देखिए कैमरा लगता है हमारा,
ये हमारी लाइट्स हैं यहाँ पे, ये लाइट्स है, लाइट देखिए मैं इसको जला रहा हूँ, ये देखिए। तो ये क्या होता है ना, ये सीधे रिफ्लेक्ट करता है, ये देखिए ये ग्रीन स्क्रीन पे पड़ता है। तो ये सारी एक लाइट मैंने इधर लगा रखी है यहाँ पे ये। तो ये बेसिकली सब बिहाइंड द सीन है जो अभी आपको पता चलेगा। अभी मैं जब शूट करूंगा ना तो मैं फिर से आपको दिखाऊंगा कि कैसे शूट होता है, कैसे एडिट होता है। सो गाइज आई एम रेडी फॉर शूट, और ये मेरा कैमरा है जिसको मैं अभी ऑन कर रहा हूँ, ये राइट हो गया ऑन, और ये है ग्रीन स्क्रीन, इसी पे शूट होगा सारा, और इसके बाद हम इसको लैपटॉप में डाल के एडिट कर लेंगे। ये हमने माइक लगा लिया हुआ है, यहाँ पे माइक लगा हुआ है, देख सकते हैं आप। तो इससे क्या होता है कि कैमरे में जो वॉइस रिकॉर्ड है, उसके बाद इस फ़ोन में जिससे मैं भी बोल रहा हूँ, उसके बाद इन दोनों को सिंक कर दिया जाता है। ये सारा प्रोसेस पोस्ट प्रोडक्शन का होता है, एडिटिंग का। तो चलिए अभी मैं शूट करता हूँ, उसके बाद आपसे मिलते हैं आफ्टर शूट। सो गाइज शूट हो चुका है कंप्लीट, और ये क्या हो गया, तार था सॉरी, और अभी मैं करता हूँ कैमरे को बंद। ये मेरा कैमरा ऑफ हो चुका है। अब बात आती है पोस्ट प्रोडक्शन की, जो हम करेंगे इस पे एडिटिंग करेंगे, देन वो वीडियो आज शाम तक 7 बजे तक अपलोड हो जाएगी। तो मैं इस कैमरे को जरा बंद कर देता हूँ। एक्चुअली यार ना अभी ट्राईपॉड मैंने ऑर्डर किया है, बट ट्राईपॉड अभी आया नहीं है फोन का, तो मुझे प्रॉब्लम होती है क्योंकि एक हाथ से व्लॉगिंग कर रहे हैं और दूसरे हाथ से इसको भी मैनेज करना होता है, तो अभी मुझे फिर इसको बंद करना पड़ेगा। तो दोस्तों कविताज किचन में आपका फिर से स्वागत है। आज हम आपको बताने वाले हैं दाल की पूड़ी कैसे बनती है। हाँ, पहले बेलन को आपको खिसकाना पड़ता है और उसके बाद आपको दाल लानी पड़ती है। दाल को आपको ऐसे भरना पड़ेगा, ये फिलिंग है इसकी। मैं टक से जरा इस पर फोकस करके दिखा देता हूँ अपने व्यूवर्स को। स्टफिंग है हाँ, स्टफिंग है ये। ये इसको आप ऐसे भर दीजिए, उसके बाद आप इसको रोल कर लीजिए, और रोल करने के बाद आपको इसको थोड़ा बेलना पड़ता है शायद ना, इसको थोड़ा सा तभी तो पूड़ी बनेगी। बेला जाएगा। अगर आप ऐसे हाथ चला सकते हैं तो फिर आपको बेलने की भी कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन ऐसे हाथ चलाने के लिए आपको कम से कम 30 साल का अभ्यास होना चाहिए। बेलना तो पड़ेगा। अच्छा, ये बन चुकी है पहले से, ये कब बना लिया? अभी तो बनाए हैं। अच्छा, बनी तो रही है, बन चुकी है। ये देखिएगा इस, देखो ये क्या, अच्छा पड़ने लगी। हाँ, और लाल होने के बाद इसको आप निकाल लीजिए। ये देखो, तुम स्विमिंग पूल बिल्कुल तैर रही है, बिल्कुल कचौड़ियाँ पूड़ियाँ। हाँ वही, मतलब बात वही है, तुम भूल जाते हो ये पूड़ियाँ हैं कि कचौड़ियाँ हैं। जब तक वो बन रही तब तक इधर दूसरी तैयार हो रही है, मतलब खाने के साथ साथ टाइम मैनेजमेंट भी आपको सीखना पड़ेगा, तभी आप मैक्सिमम पूड़ी कम समय में निकाल सकते हैं। दोस्तों ये भी बहुत स्वादिष्ट पूड़ियाँ बन रही हैं, और अभी हम इस पूड़ी को खाएंगे और आपको बताएंगे कि इसका टेस्ट कैसा लग रहा है। बेख्याली मेरी तेरा, अब इसको निकाला जाएगा। किसको कितनी देर निकाला जाता है? धीमी आंच पे। अच्छा, अभी आंच धीमी है, धीरे धीरे पकेगी। ओके, अभी हम चलते हैं अपने ऑफिस में, काम भी होगा और साथ साथ कचौड़ी का आनंद भी लिया जाएगा। ओ फिर अंधेरा यार, हद है, अंधेरा कायम रहेगा, अंधेरा कायम रहेगा। धर्मराज कलविश यार, आज यार व्लॉगिंग के लिए पहली बार मैंने कैमरा उठाया भाई साहब। ओए होए, ये ले लेते थंबनेल के लिए, सही है ना? हाँ मिल गया थंबनेल। ओए होए, और इधर हमारा एडिटिंग प्रोसेस चालू है गाइस। ये अब तक एडिट हो रहा है, तब तक हम लोग अपनी जरा इसको निपटा लेते हैं। फिल्म देखे गाइस, क्या? तो गाइस यहाँ पे अब व्लॉग को एंड करते हैं, व्लॉग को एडिट भी करना है क्योंकि आज डालना है, और M2R वाली वीडियो भी पड़ी हुई है, वो भी एडिट हो रही है। इसके बाद हम शुरू करेंगे ये वाला व्लॉग एडिट, और व्लॉग एडिट हो जाने के बाद आपको जस्ट मिल जाएगा। तो गाइस अगर आपने वीडियो को यहाँ तक देख लिया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए तो उसको सब्सक्राइब कर लीजिए, और कमेंट में अपना सजेशन ज़रूर दीजिएगा,
और क्या क्या आपको ब्लॉग में देखना है, कौन सा खाना देखना है, हम लोग बाहर ट्रेवल करेंगे तो भी इस ब्लॉग में आपको वीडियोज मिल जाएंगी।